तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक भाई का क्वेश्चन जैसा आया हुआ है। उन्होंने हमसे कहा है कि मुझे HDFC बैंक से टू व्हीलर लोन मतलब बाइक लोन चाहिए, तो मुझे 1 लाख का 4 साल के लिए बाइक लोन चाहिए, तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कितने साल के लिए बाइक लोन मिलता है, और क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और मुझे मंथली EMI भी कितनी देनी पड़ेगी। तो इसके बारे में थोड़ा पूरी डिटेल से मुझे वीडियो में बता दीजिए। तो उसके देखो, जो जो भाई लोग HDFC से बाइक लोन लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले चलते हैं कि देखते हैं कि HDFC में टू व्हीलर लोन के लिए क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं एक बढ़िया से एक साइट पे जो अपडेटिंग साइट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट अपडेट अभी 10 मार्च 2022 को हुआ था, मतलब कि 2022 में 2022 के 10 मार्च को अभी ये अपडेट हुआ हुआ है। तो ये करंट इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो HDFC का टू व्हीलर लोन इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 8.50%। तो आप लोग देख सकते हैं कि 8.50% से टू व्हीलर लोन मिल रहा है HDFC से। तो मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी आप लोग को 85% ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम लोन टेन्योर 4 साल। भाई ने जैसे कहा था कि मुझे 4 साल के लिए 1 लाख रुपए 4 साल के लिए चाहिए था, शायद भाई को पता होगा कि HDFC बैंक 4 साल के लिए लोन देती है, तो ये बहुत बात अच्छी बात हो गई। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ीस क्या चल रही है, प्रोसेसिंग फ़ीस के क्या चार्जेस हैं। तो प्रोसेसिंग फ़ीस के चार्जेस 3% ऑफ लोन अमाउंट विथ मिनिमम 600 रुपये, मतलब कि अगर भाई ने 1 लाख का लोन लिया है तो उनको 3% का अमाउंट काटना पड़ जाएगा, 3% उससे कट जाएंगे, 1 लाख से 3% काट लिए जाएंगे, तो उनकी वो प्रोसेसिंग फ़ी काट ली जाएगी। तो देखो कितने एज वालों को लोन मिल रहा है, बिटवीन 21 ईयर्स से 65 ईयर्स के बीच में जो लोग होंगे उनको लोन मिलेगा। तो चलो पहले अब इसकी मंथली EMI जान लेते हैं कि कितनी बनेगी, क्या इंटरेस्ट। तो पता चल गया कि 8.8 इंटरेस्ट चल रहा है 8.5% का। तो यहाँ आ चुके हैं हम लोग बेस्ट EMI कैलकुलेटर पे। इसकी लिंक मैं आप लोग को खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग अपने लोन अमाउंट को डाल करके अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना सीख लें। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, और जिससे आप लोग भी आसानी से अपना अमाउंट डाल करके यहाँ पे जा सकते। तो यहाँ पे मैं कार लोन पे क्लिक करता हूँ। कार लोन, बाइक लोन दोनों एक ही जैसा होता है, सबके इंटरेस्ट बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक कोई भी रैंडम अमाउंट सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं 4 लाख भर लेता हूँ, मैंने 1 लाख, सॉरी 4 लाख भरा था तो मैंने 1 लाख भर दिया। और यहाँ पे 8.5% का इंटरेस्ट लगा हुआ है। आप लोग को जितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाना हो ना तो आप लोग खुद से लगा सकते हो। यहाँ पे मैं फिर से 8.5% कर देता हूँ। और कितने साल के लिए चाहिए था, तो 4 साल के लिए भाई को चाहिए था, 4 साल के लिए। तो अब जानते हैं कि मंथली EMI क्या बनेगी। EMI इन एडवांस पे हम लोग क्लिक कर लेना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो मंथली EMI बनेगी जाकर के, वो 2,447 रुपये मंथली EMI बनेगी। और जो हम लोग को पूरा 4 साल में 1 लाख रुपए के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 17,480 रुपये। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मोटा मोटा टोटल पेमेंट हम लोग को बैंक को कितनी देनी पड़ेगी, वो भी यहाँ पे आसानी से पता चल जाता है कि 1,17,480 रुपये टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट मिला करके हम लोग को बैंक को पेमेंट देनी पड़ेगी इस EMI कैलकुलेटर की। मुझे ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग को यहाँ पे सर्कल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि 14.9% आप लोग का टोटल इंटरेस्ट है। ये आप लोग को जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ये आप लोग का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन अमाउंट आप लोग का 85.1% है। अगर देखो बहुत लोगों को डीप में नॉलेज चाहिए होती ना तो यहाँ पे एक देखो एक ग्राफ भी देखने को मिल जाता, तो ग्राफ से आप लोग को पता चल जाता कि जैसे आप लोग का 2022 में पूरा 81,288 रुपये आप लोग का मतलब कि लोन पेड हो जाएगा, 18% आप लोग का लोन पेड हो जाएगा। यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो लोन आप लोग का 2023 में 42% पेड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोन कम होता जाएगा। इससे चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो यहाँ पे नीचे आप लोग को एक बेस्ट चार्ट मिल जाता है, जो आप लोग को देखिए 4 साल के लिए आप लोग को पूरा बेस्ट चार्ट देखने को मिल जाएगा
कि आप लोग को हर महीने अगर आप देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि 2022 में मुझे कितना प्रिंसिपल पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा है कि 18,711 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 5,763 रुपये होगा, और जो टोटल पेमेंट हम लोग को बैंक को करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 2022 में 24,434 रुपये, 74 रुपये सॉरी। और 2000 अगर कोई बंदा पूछता है कि भाई 2023 में 24 में आप लोगों को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आप लोग बता सकते हो टोटल पेमेंट मेरी 29,000 होगी, तो कहेगा भाई कैसे, तो आप लोग बता सकते हो 3,949 रुपये मेरा इंटरेस्ट रेट लगा, उसके साथ मेरा 25,420 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर कोई भाई पूछता है कि मुझे आपको 2022 के सेप्टेम्बर में कितनी मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि 1,819 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, 627 रुपये आप लोग को इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसके साथ 2,747 रुपये आप लोग को ये प्रिंसिपल टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी सितंबर महीने में। तो इस चार्ट के इस ईएमआई कैलकुलेटर में एक अच्छा सा चार्ट आप लोग जैसे 2023 में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग को पूरा एक लंबा सा चार्ट दिसंबर तक का खुल के मिल जाएगा, और इस चार्ट को आप लोग आसानी से प्रिंट करके अपने कागजातों में लगा सकते हैं, कागज आगज आप लोग जहाँ रखते हो ना उसमें आप लोग अपना सबमिट कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि आप लोग मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं पीडीएफ बना करके, तो इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जा करके आप लोग चेकआउट करिए, अपना लोन अमाउंट डालिए। तो जैसा भाई का लोन अमाउंट था कि 1,00,000 रुपए के लिए, 1,00,000 रुपए के लिए 8.5% के HDFC से टू व्हीलर के लोन के लिए 4 साल के लिए, तो उनकी जो मंथली EMI बन रही है वो बन रही है जा करके 2,447 रुपये, जो कि बहुत ठीक ठाक रैंडम। देखो 1,00,000 रुपए 4 साल के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं, 2,000 रुपए जिसकी 10,000 सैलरी होगी वो भी बंदा 1,00,000 रुपए का टू व्हीलर लोन ले सकता है आसानी से। तो यहाँ पे देखो ये आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी आप लोगों को दिक्कत समझ में आती हो तो आप लोग प्लीज़ यार कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन रैंडम पूछ सकते हैं, मैं आसानी से उसका जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ, मैं उसकी वीडियो तक बना देता हूँ कि जिससे आप लोगों को डीप नॉलेज समझ में आ जाए। तो यहाँ से आप लोगों को एक मैं छोटी सी वीडियो से आप लोगों को चीज़ें समझाने की प्रयास करता हूँ, तो आई होप भाई का क्वेश्चन कंप्लीट किया हो और लोगों को समझ में आया हो। तो मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव की वीडियो के साथ, अगर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।